कहानी स्टूडियो की संगीत में प्रस्तुति। जगत जननी माँ कुदरगढ़ी, आप ही विश्व की उत्पत्ति करने वाली हैं। हे महामाया स्वरूपिणी, हे सभी प्राणियों की स्वामी तथा शंकर जी को आनंद प्रदान करने वाली पार्वती मैया, मैं आपके चरणों में नतमस्तक होकर ज्ञान के प्रकाश की याचना करता हूँ। माँ दक्ष प्रजापति यज्ञ रचाए, सभी देवों को आदर से बुलाए। दक्ष प्रजापति यज्ञ रचाए, सभी देवों को आदर से बुलाए। शिव सती को नन्हौता पठाए, मैया की महिमा समझ नहीं पाए। मैया की महिमा समझ नहीं पाए। जब ये भेद सती मैया जाने, शंकर जी से बोली माँ भवानी। सुंदर यज्ञ शिव जी पिताजी ने ठानी, मैया कुदर गढ़वाली सुनो इनकी कहानी। मैया कुदर गढ़वाली सुनो इनकी कहानी। के मना करने पर भी जब माँ सती राजा दक्ष के यज्ञ में गई तो अपना और शिव जी का अपमान देखकर बहुत दुखी हुई। और आप सब तो जानते ही हैं कि माँ सती ने हवन कुंड में अपना शरीर त्याग दिया। शिव
शिवगढ़ थन थल से कैलाश आए, सती का हाल भोलेनाथ को बताए। शिवगढ़ थन थल से कैलाश आए, सती का हाल भोलेनाथ को बताए। सुन के क्रोध शंकर जी का जागा, सती के कारण त्रिलोक तीनों कांपा। सती के कारण त्रिलोक तीनों कांपा। धरती पे शिव जी जटाए कपट के, वीरभद्र काली तत्काल वहाँ प्रगटे। दक्ष से बदला लेना चाहे अवगढ़ दानी, या कुदरगढ़ वाली सुनो उनकी कहानी। मैया कुदरगढ़ वाली सुनो इनकी कहानी। भद्र और काली राजा दस के यज्ञ का विध्वंस कर देते हैं। इधर भोलेनाथ सती के कंकाल को लेकर यहाँ वहाँ भटकते हैं। तब भगवान विष्णु शिव जी का सती मोह दूर करने के लिए सती के कंकाल पर चक्र चलाते हैं, जिससे कंकाल के 108 टुकड़े हो जाते हैं। ये जहाँ जहाँ गिरते हैं वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। इनमें से एक शक्तिपीठ रतनपुर बना। यहाँ सती का दाया स्तंभ गिरा, जिसके कुछ अंश कुदरगढ़ पर्वत पर गिरे, जो तब से कुदरगढ़ में माँ कुदरगढ़ी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। राजा बालंद रहा एक ऐसा, भानु पुजारी था मैया का जैसा। राजा बालंद रहा एक ऐसा, धनु पुजारी था मैया का जैसा। माँ के चरण में जमा लिया आसन, करने लगा मन में मैया का दर्शन। करने लगा मन में मैया का दर्शन। देख राजा की कठिन तपस्या, पूरी करने बालंद की दर्शन। देने राजा को आईया दी भवानी, मैया कुदरगढ़ वाली सुनो इनकी कहानी। मैया कुदरगढ़ वाली सुनो इनकी कहानी। उत्तर प्रदेश गहरवार गांव का रहने वाले थे। राजा बालन के पास एक पारस पत्थर था, जिसे बागियों ने छीनना चाहा। तब राजा बालन अपना परिवार और सेना लेकर कुदरगढ़ पर्वत पर आ गए और भूलते भटकते माँ के धाम तक पहुँच गए और माँ की आराधना शुरू कर दिए। राजा की तपस्या देख भगवती कुदरगढ़ी प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। सिर पे होके सवार मैया आई, करते तपस्या राजा को जगाई। सिर पे होके सवार मैया आई, करते तपस्या राजा को जगाई। बालंद को अपना दर्शन कराई, वर मांगो कह के मैया मुस्कुराई। वर मांगो कह के मैया मुस्कुराई। राजा के आंखों में भर आया पानी, जय हो कुदरगढ़ की आदि भवानी। धन्य धन्य भाग्य है मेरा दर्शन दी भवानी, मैया कुदरगढ़ वाली
अब सुनो इनकी कहानी। कहां से आई कुदर महारानी, दर्शन कब किसको दीमा भवानी। सुनो जगत जननी की ये है गाथा पुरानी, मैया कुदर गढ़वाली सुनो इनकी कहानी। माँ कुदरगढ़ी के प्रकट होने पर राजा बालंद माँ के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, हे माँ, आप अपने भक्तों को अभय दान दीजिए और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए।